आगे बढ़ेंगे हम लोग हिमालय रीजन लेसन में। पिछले रोज यानी सैटरडे को हम लोगों ने उत्तर पूर्वी भाग के राज्यों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को पढ़े थे। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे। लेसन टू, हिमालय हिमाचल प्रदेश इसके बारे में। द लाइफ ऑफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ हिमालय प्रदेश इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ कश्मीर। हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का जो है यहाँ का लाइफ स्टाइल जो है रहन सहन का जो स्तर है वो लगभग अधिकतर कश्मीर से मिलता जुलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, यहाँ अधिकतर लोग किसान हैं, खेती करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, दे ग्रो राइस मैगी बार्ली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यहाँ के लोग चावल मक्का बार्ली फल और सब्जियां उपजाते हैं। सम रेयर शीप्स एंड गोट्स, कुछ लोग भेड़ और बकरियों का भी पालन करते हैं। वूलन कारपेट्स ब्लैंकेट्स रॉक्स एंड सॉल्ट्स आर वूवन हियर। यहाँ कंबल कारपेट्स ऊनी कपड़े और शाल इत्यादि जो है बुने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का यह रण। इसके बाद आता है शिमला। पहले हम लोग कश्मीर पढ़ चुके थे, जम्मू कश्मीर ये हम लोग पढ़ चुके थे। शिमला शिमला इज द कैपिटल सिटी। थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। राजधानी शहर है यह। अधिकतर सैलानी विजिटर यहाँ विजिट करते हैं, आते हैं घूमने के लिए देखने के लिए शिमला में। थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट टू द हिल स्टेशन ऑफ शिमला डलहौसी कुल्लू एंड मनाली। हिमाचल प्रदेश में ये हिल स्टेशन है कुल्लू मनाली शिमला डलहौसी। पीपल वेयर द कलरफुल क्लॉथेस एवरी डे, प्रत्येक दिन यहाँ लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। मेन वेयर द एम्ब्रॉयडर्ड कैप एंड वुमेन वेयर ब्राइट स्कार्फ। पुरुष होते हैं और टोपी पहनते हैं रोएदार टोपी ऊपर, और औरतें जो है स्कार्फ बांधती हैं कलरफुल, जो स्कार्फ होता है ऐसे बांधकर बांधते हैं लोग रुमाल टाइप का उस तरह से। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल द कुल्लू रीजन, कुल्लू के क्षेत्र में जो कुल्लू हिल स्टेशन है उस क्षेत्र में
दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। मोस्ट पॉपुलेस की पहाड़ी पंजाबी एंड कम किन्नवी लैंग्वेज, किन्नड़ी लैंग्वेज। यहाँ के लोग पहाड़ी भाषा, पंजाबी भाषा और किन्नवी भाषा भी बोलते हैं। यह हुआ हिमाचल प्रदेश का रहन सहन, वहां के लोगों का बोलचाल, वहां के लोगों का खान पान इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड इंक्लूड द गढ़वाल एंड कुमाऊं हिल्स रीजन। उत्तराखंड का जो क्षेत्र आता है कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ियों के श्रेणियों में आता है। देहरादून इज कैपिटल, देहरादून इसकी राजधानी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स देयर, अधिकतर लोग यहाँ के किसान हैं। मेनी ऑफ द मेनी ऑफ देम आर आल्सो सर्व इन द आर्मी। यहाँ के अधिकतर लोग जो हैं, यहाँ के लोग भी जो है आर्मियों में सेवा प्रदान करते रहते हैं। हमारी सेनाओं में जो देश की सेना है उसमें अपनी सेवाएं देते रहते हैं। मंसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत आर पॉपुलर हिल स्टेशन। यहाँ नैनीताल, मंसूरी और रानीखेत जो है यहाँ का मुख्य हिल स्टेशन है। हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आर पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस। यहाँ दार्शनिक स्थल उत्तराखंड में जैसे में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ से गंगोत्री जहाँ से गंगा जी का उद्गम हुआ है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना जी का उद्गम हुआ है, गंगाई जहाँ से निकलती है, ये बहुत ही मशहूर दर्शनीय स्थल है। इसके बाद है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम इज वेरी स्मॉल स्टेट। सिक्किम एक बहुत ही छोटा राज्य है। इट हैड हाई माउंटेन्स एंड डीप रिवर वैली। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत और गहरी घाटियां होती हैं। द पीपल हियर बिलोंग टू थ्री मेन ट्राइब्स, लेप्चा, भोटिया एंड नेपाली। यहाँ रहने वाले तीन जो है ट्राइब्स है, तीन आदिवासी, तीन जनजातियों जनजातियां हैं यहाँ, तीन प्रकार की, जिसमें लेप्चा जनजाति, भूटिया जनजाति और नेपाली जनजाति। वुमेन वेयर कलरफुल ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड एंड बीड्स। औरतें जो है कलरफुल रंग बिरंगे आभूषण की बहुत शौकीन होती हैं, पहनती हैं, जो सोने और बीड्स का बना होता है वो सिक्का। सिक्किम की फेमस फॉर ब्यूटीफुल और चीज। सिक्किम जो है बहुत ही खूबसूरत बागानों का भी स्टेट है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट की गैंगटोक। यहाँ की राजधानी गैंगटोक है सिक्किम। दार्जिलिंग एंड वेस्ट बंगाल आर पॉपुलर हिल स्टेशन। दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल यहाँ बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन हैं। इट हैज मेनी टी गार्डन। यहाँ बहुत से अनेकों चाय के बागान हैं, बागीचे हैं। Which produce tea of gold quality, good quality. Which produce tea of good quality. जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ चाय उत्पादन होता है, विश्व प्रसिद्ध चाय का उत्पादन यहाँ सिक्किम में होता है। इसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट पढ़ेंगे। नॉर्थर्न माउंटेन्स के क्षेत्र का जो है हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है सबसे पहले वो है अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा पहले द सेवन स्टेट सेवन सिस्टर्स, जो सेवन स्टेट जो थे सात राज्य थे उसको हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें है आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम आर द सेवन स्टेट दी स्टेट आर नोन एज सेवन सिस्टर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी करें। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इट हाउएवर हैज ए स्मॉल पॉपुलेशन, यहां भी जनसंख्या कम है। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, ईटानगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। पीपल लिव इन हाउसेज ऑन स्टील, यहाँ के लोग स्टील हाउस में रहते हैं जो खंभे पर जो घर बने होते हैं इस तरह से। इस तरह के बने घरों में रहते हैं लोग, यहां सीढ़ी बना होता है लोग चढ़ करके अपने घर में जाते हैं, तो एक खंभे पर होता है जिसको स्टील हाउस कहा जाता है। अधिकतर लोग ऐसे ही घरों में रहते हैं। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैट एंड स्नेक्स, ये घर इस प्रकार के घर जो है उनकी सुरक्षा करते हैं, खास करके वर्षा के दिनों में जब आसपास के क्षेत्रों में पानी जब भर जाता है तो इनके घरों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि ये तो खंभ पर होते हैं। इसके अलावा वहां बहुत से जहरीले खतरनाक सांप भी होते हैं तो इस पर वे आसानी से चढ़ नहीं पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये ऊंचाई पर होते हैं। जैसे फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर, खेती और कपड़े की बुनाई यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। दे आल्सो मेक्स कलरफुल थिंग्स बम्बू केन एंड लेदर, यहाँ के लोग बहुत ही रंग बिरंगे चीजों को बनाने सामानों को बनाते हैं, बांस से बांस और केन जो होता है सरकार का केन पतला सरकंडे की तरफ और चमड़े बांस केन और चमड़े से लोग बहुत ही कलरफुल रंग बिरंगे सामानों की तैयारी करते हैं बनाते हैं। द मणिपुर डांस फ्रॉम द वेरी फेमस, मणिपुर डांस बहुत ही फेमस डांस है, यह हमारे देश का लोक नृत्य है। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी। दे ग्रो राइस जूट पोटैटो सुगर केन प्रिंसिपल पाइन एपल एंड ऑरेंज, यहाँ चावल जूट आलू गन्ने पाइन एपल और ऑरेंज का उत्पादन होता है।
शिलोंग इज द कैपिटल सिटी एंड ए पॉपुलर हिल स्टेशन। शिलोंग कैपिटल सिटी है। मणि मेघालय, मेघालय मणिपुर की पड़ी है, मणिपुर। इसके बाद है मेघालय, मेघालय। मेघालय जो है मेघालय पढ़ी, मेघालय गेट, मेघालय नहीं पढ़ी। सॉरी, अरे हम लोगों ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर पढ़ा। तो इसके बाद अब है मेघालय। मेघालय गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। मेघालय जैसा कि शब्दों से ही पता चलता है, जब कोई आता है तो मेघालय गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। मेघालय हमारे देश का सबसे अधिक वृष्टि वाला क्षेत्र है, जैसा कि शब्दों से भी पता चलता है कि मेघालय का अर्थ ही मेघों का घर होता है, और जहां मेघों का घर होगा वहां बरसा होना लाजमी है। पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू द गारो खासी एंड जनजातिया। यहाँ के लोग गारो खासी और जनजातिया जनजाति से आते हैं। दे ग्रो राइस, जूट, पोटैटो, सुगर केन, पाइन एपल्स, ऑरेंज। शिलोंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ ए पॉपुलर हिल स्टेशन एंड ए पॉपुलर स्टेशन। शिलोंग यहाँ की राजधानी है और जो बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन है। इसके बाद मिजोरम, मिजोरम इज लैंड ऑफ हिल। मिजोरम का अर्थ ही होता है पहाड़ियों की भूमि। आइजोल इज द कैपिटल सिटी, आइजोल राजधानी शहर है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑकुपेशन ऑफ द पीपल, कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। मोइस नो हाउ टू रीड एंड राइट। मिजो यहाँ जो है लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। राइस, मैगी, मिलेट एंड ऑरेंज ग्रोन हेयर, चावल, मक्का, बाजरा यहाँ मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। द नागाज वियर साल ऑफ डिफरेंट डिजाइन, नागा लोग जो है वो साल सॉल्स पहनते हैं, अनेकों क्वालिटी में अनेकों तरह से पहनते हैं लोग। वी कैन टेल द ट्राइब ऑफ नागा बिलोंग फ्रॉम द डिजाइन ऑफ हर हिज सॉल। वे अपनी नागा जनजातियों, जो नागा जनजाति जो कहे जाते हैं, वे अपनी शॉर्ट के लिए बहुत ही मशहूर हैं, मशहूर माने जाते हैं। तो यह चैप्टर जो है अब खत्म हो गया। अब फिर हम अगले बार में लेसन 3 पढ़ेंगे, द नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त।